हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश एजेंडा में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसे क्वेश्चंस और सेंटेंसेस जो हम अक्सर यूज़ करते हैं मॉर्निंग असेंबली के टाइम। जब स्कूल में हम असेंबली करवाते हैं तो उस टाइम पे अगर आपको भी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में कन्वर्सेशन करने में तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इसमें मैंने वो सारे सेंटेंसेस क्वेश्चंस है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिसको आपको प्रैक्टिस करने के बाद में आपकी सारी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाने वाली है और आप अच्छे से है बच्चों के साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर पाएंगे, उन्हें इंस्ट्रक्ट कर पाएंगे और अच्छे से आपकी असेंबली है वो आप करवा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं वो यूजफुल सेंटेंसेस। मॉर्निंग असेंबली से ही रिलेटेड अगर आपने मेरे ये दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इसके लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, सभी लोग सीधी लाइन बनाए और असेंबली ग्राउंड में जाएं। एवरीवन मेक ए स्ट्रेट लाइन एंड गो टू द असेंबली ग्राउंड। एवरीवन मेक ए स्ट्रेट लाइन एंड गो टू द असेंबली ग्राउंड। नेक्स्ट है, दौड़े नहीं धीरे जाएं। डोंट रन गो स्लोली। डोंट रन गो स्लोली। नेक्स्ट है, कोई भी लाइन नहीं तोड़ेगा। नो वन विल ब्रेक द लाइन। नो वन विल ब्रेक द लाइन। नेक्स्ट है, लाइन जल्दी बनाओ। मेक द लाइन क्विकली। मेक द लाइन क्विकली। नेक्स्ट है, हाइट के अनुसार लाइन बनाए। मेक योर लाइन अकॉर्डिंग टू हाइट। मेक योर लाइन अकॉर्डिंग टू हाइट। नेक्स्ट है, किसी को भी धक्का ना दें। डोंट पुश एनीवन। डोंट पुश एनीवन। नेक्स्ट है, एक हाथ का फासला लें। टेक वन हैंड डिस्टेंस। टेक वन हैंड डिस्टेंस। नेक्स्ट है, नितिन तुम राम के पीछे खड़े हो जाओ। नितिन यू स्टैंड बिहाइंड राम। नितिन यू स्टैंड बिहाइंड राम। अक्सर जब हम लाइन बनाते हैं तो ये मैनेज हमें करना ही होता है कि नहीं तुम इसके पीछे जाके खड़े हो, तुम इसके आगे आके खड़े हो। तो इस टाइम पे हम ये सेंटेंस है वो यूज कर सकते हैं, जैसे राहुल तुम राज के आगे आओ। राहुल कम फॉरवर्ड फ्रॉम राज, यानी राहुल तुम राज से आगे आ जाओ। नेक्स्ट है, उचित दूरी रखे। टेक प्रॉपर डिस्टेंस। टेक प्रॉपर डिस्टेंस। नेक्स्ट है, प्रार्थना के समय कोई बात नहीं करेगा। नो वन विल टॉक इन प्रेयर टाइम। नो वन विल टॉक इन प्रेयर टाइम। नेक्स्ट है, गौरव तुम पीछे क्या देख रहे हो। गौरव व्हाट आर यू लुकिंग बिहाइंड। गौरव व्हाट आर यू लुकिंग बिहाइंड। अक्सर जो बच्चे हैं वो प्रेयर टाइम में इधर उधर पीछे देखते ही रहते हैं, तो उस टाइम आप ये सेंटेंस है वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अपने हाथ पीछे रखो। कीप योर हैंड्स बैक। कीप योर हैंड्स बैक। इधर उधर मत देखो। डोंट लुक हेयर एंड देयर। डोंट लुक हेयर एंड देयर। नेक्स्ट है, लाइन में सीधे खड़े रहे। स्टैंड स्ट्रेट इन द लाइन, या फिर आप बोल सकते हैं स्टैंड स्ट्रेट इन द क्यू। क्यू मीन्स भी होता है कतार। नेक्स्ट है, तुम स्कूल के लिए लेट क्यों हो गए। व्हाई आर यू लेट फॉर स्कूल। व्हाई आर यू लेट फॉर स्कूल। अक्सर बच्चे जब लेट आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि तुम स्कूल के लिए लेट क्यों हो गए, तो उसके लिए आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, तुम हमेशा स्कूल देर से क्यों आते हो। व्हाई डू यू ऑलवेज कम लेट टू स्कूल। व्हाई डू यू ऑलवेज कम लेट टू स्कूल। नेक्स्ट है, ठीक है जल्दी जाओ और लाइन में खड़े हो जाओ। ओके नाउ गो क्विकली एंड जॉइन द लाइन। नाउ गो क्विकली एंड जॉइन द लाइन। यानी जब प्रेयर में हम लाइन बनवा रहे उसी टाइम अगर कोई बच्चे आ जाते हैं तो हम उन्हें बोल देते हैं कि जाओ जल्दी से लाइन में शामिल हो जाओ, तो उसके लिए हम ये सेंटेंस है वो यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है, जो बच्चे लेट है वे अलग से लाइन बनाए. दोज स्टूडेंट्स हु आर लेट मेक ए सेपरेट लाइन. दोज स्टूडेंट्स हु आर लेट मेक ए सेपरेट लाइन. नेक्स्ट है, आज प्रार्थना के लिए किसकी बारी है, जल्दी आइए. हुज टर्न इज फॉर प्रेयर टुडे कम क्विकली. हुज टर्न इज फॉर प्रेयर टुडे कम क्विकली. नेक्स्ट है, अपनी आंखें बंद करें और हाथ जोड़ ले. जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज. जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज. नेक्स्ट है, अपनी आंखें बंद करो, क्या देख रहे हो. What are you looking? Close your eyes. What are you looking? Close your eyes. अक्सर छोटे बच्चे होते हैं वो आंखें बंद करवाने के बाद में भी दो तीन तो ऐसे होते ही है जो इधर उधर आंखें खोल के देखते रहते हैं, तो उन्हें हमें ये बोलना ही होता है कि अपनी आंखें बंद करो. नेक्स्ट है, अपने हाथ नीचे करें. ओके, पुट डाउन योर हैंड्स, या फिर बोल सकते हैं ओके डाउन योर हैंड्स. नेक्स्ट है, प्रतिज्ञा स्थिति ले. टेक प्लेस पोजिशन. टेक प्लेस पोजिशन. नेक्स्ट है, प्रतिज्ञा के लिए अपना दाया हाथ उठाए. अप योर राइट हैंड फॉर प्लेस. अप योर राइट हैंड फॉर प्लेस. कई छोटे बच्चे होते हैं वो लेफ्ट राइट भूल जाते हैं कि कौन सा हाथ हो उसको ऊपर करना है, तो उस टाइम हम उसे बोल सकते हैं कि अपना दाया हाथ है यानी राइट हैंड है वो ऊपर करो. ठीक है. नेक्स्ट है, लाइन में कौन बात कर रहा है. अक्सर ऐसा होता है कि कोई ना कोई धीरे धीरे बातें करता ही रहता है बीच में और हमें पता नहीं चलता, तो ये बोलने के लिए हम कह सकते हैं कि कौन है जो लाइन में बात कर रहा है. हु इज टॉकिंग इन द लाइन. हु इज टॉकिंग इन द लाइन. नेक्स्ट है, बातें नहीं ध्यान से सुने. डोंट टॉक लिसन केयरफुली. डोंट टॉक लिसन केयरफुली. नेक्स्ट है, शांति बनाए रखिए. साइलेंस प्लीज, या फिर हम बोल सकते हैं साइलेंस एवरीवन. ठीक है, क्योंकि अक्सर जब हम कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं बच्चों को तो बोलते ही रहते हैं, तो बीच बीच में हमें उन्हें ये बोलना पड़ता है कि चुप हो जाइए, तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है, कृपया ध्यान दीजिए. प्लीज पे अटेंशन. प्लीज पे अटेंशन. नेक्स्ट है, सभी यहाँ देखे. एवरीवन लुक हियर. एवरीवन लुक हियर. नेक्स्ट है, चलिए अब यूनिफॉर्म और नेल्स चेक करते हैं. ओके, नाउ लेट्स चेक द यूनिफॉर्म एंड नेल्स. ओके, नाउ लेट्स चेक द यूनिफॉर्म एंड नेल्स. ठीक है, अक्सर स्कूल में मंडे को है वो, या फिर कोई भी एक डे फिक्स होता है, उस पर यूनिफॉर्म्स तो जैसे डेली ही चेक होती है, पर नेल्स चेक करने के लिए हफ्ते में एक या दो दिन है वो डिसाइड किए हुए होते हैं, तो उस पर बच्चों की चेकिंग तो होती है, तो आप ये बोल सकते हैं. नेक्स्ट है, जो प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं है वे लाइन से बाहर आ जाए. हु इज नॉट इन प्रॉपर यूनिफॉर्म प्लीज कम आउट फ्रॉम द लाइन. हु इज नॉट इन प्रॉपर यूनिफॉर्म प्लीज कम आउट फ्रॉम द लाइन. नेक्स्ट है, गौरव अपनी यूनिफॉर्म देखो कितनी गंदी है. गौरव लुक योर यूनिफॉर्म इट्स सो डर्टी. गौरव लुक योर यूनिफॉर्म इट्स सो डर्टी. नेक्स्ट है, तुमने इसे कल क्यों नहीं धुलवाया. व्हाई डिडंट यू वॉश इट यस्टरडे. व्हाई डिडंट यू वॉश इट यस्टरडे. नेक्स्ट है, मुझे अपने नाखून दिखाओ. शो मी योर नेल्स. शो मी योर नेल्स. नेक्स्ट है, कल संडे था तुमने अपने नाखून क्यों नहीं काटे. यस्टरडे वॉज संडे व्हाई डिडंट यू कट योर नेल्स. यस्टरडे वॉज संडे व्हाई डिडंट यू कट योर नेल्स. नेक्स्ट है, तुम्हारे जूते पॉलिश क्यों नहीं है. व्हाई योर शूज इज अनपॉलिश्ड. व्हाई योर शूज इज अनपॉलिश्ड. नेक्स्ट है, अगली बार इस बात का ख्याल रखना. टेक केयर ऑफ इट नेक्स्ट टाइम. टेक केयर ऑफ इट नेक्स्ट टाइम. यानी बच्चे को कुछ भी हम बोलते हैं कि यूनिफॉर्म के बारे में या बालों के बारे में या फिर नेल्स के बारे में, तो उन्हें हम कह सकते हैं कि अगली बार इस बात का ध्यान रखना है, तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है, पीछे मुड़े और धीरे धीरे अपने क्लासेस में जाइए.
Students turn back and go slowly in your classrooms. Students turn back and go slowly in your classrooms. Next है, जल्दीबाजी मत करो. अक्सर बच्चे है वो जैसे वापस जाते हैं तो उस टाइम है वो भागते दौड़ते हैं, तो हम उन्हें कह सकते हैं कि जल्दी मत करो, धीरे धीरे जाओ. तो उसके लिए हम बोल सकते हैं डोंट हरी. डोंट हरी यानी जल्दीबाजी मत करो, धीरे धीरे जाओ. तो ये थे हमारे आज के ऐसे सेंटेंसेस जो कि हम स्कूल असेंबली के टाइम पे बोलते ही बोलते हैं. तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा. तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.